हाँ हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आप लोग देख रहे हैं एक्टिव टॉक्स। आज की वीडियो में नॉर्मली हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि आपको नहीं पता होगा। भाई सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहली बात आप लोग ये समझें कि टाइम किसी के लिए भी परमानेंट नहीं होता है। कोई भी चीज़ किसी के लिए भी परमानेंट नहीं होता। आज मैं एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ WWE का। WWE के जैसे कि जो क्लिप्स आप लोग देख रहे हैं, भाई ये क्लिप्स बहुत पहले के वीडियोज हैं। जो भी फाइटर्स हैं, जो ये अपने प्राइम टाइम में देखिए इनका क्या क्रेज था और अभी क्या क्रेज है। जैसे कि आप लोग इसमें देखेंगे जॉन सीना को एंड अदर्स, भाई अजीब लगता है। ब्रॉक लेसनर एक टाइम पे मेरा फेवरेट था, जब तक कि मेरे को ये कंफर्म नहीं था कि WWE फेक है। बाद में जब मेरे को पता चला कि WWE बस एक एंटरटेनमेंट शो है, उसके बाद तो WWE से खैर भरोसा ही उठ गया और दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, दिल टूट गया था पूरा जब ये पता चला था कि WWE एक क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट शो है। पहले लगता था कि भाई 100% रियल है, जो कुछ भी चल रहा है एकदम रियलिटी है। बट आफ्टर दैट वी रियलाइज क्या रियलिटी है। बट फिर भी कभी जब नए नए में जो फाइटर्स आए थे उनका क्रेज था, जैसे कि जॉन सीना हो गया, अंडरटेकर, केन, ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग, इन सबका एक क्रेज आया। लेकिन टाइम के साथ साथ में वही पता है ना, मैं आप सभी को वही समझाने की कोशिश करता हूँ कि समय के अकॉर्डिंग जो फेम है आता है जाता है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आती है जाती है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ और कुछ भी परमानेंट नहीं रहने वाला है। तो उसका एक साधारण सा एग्जांपल है ये वीडियो, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। आई होप गाइस आज का वीडियो आप सभी को समझ में आओगे। ऐसे रियल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।